नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक छोटा सा क्यूट सा गिफ्ट जो हम किसी को बर्थडे पर जरूर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये गिफ्ट का आइडिया मुझे कहाँ से आया। तो मेरी बेटी की फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, तो उसने बोला मुझे, मम्मी चलो कोई गिफ्ट लाते हैं या फिर ऑनलाइन मंगवाते हैं। मैंने सोचा नहीं नहीं, ऑनलाइन वाली को गिफ्ट में कुछ मज़ा नहीं आएगा, ऐसा करते कुछ मैं ही बना कर देती हूँ तुम्हें, जो छोटा सा हो, क्यूट सा हो। और उस पर क्या हुआ कि उसका नाम भी झरना था, तो मैंने झरना झरना सोचते सोचते मुझे याद आया क्यों ना कुछ झरना जैसा बनाया जाए, और वो भी जो हमें हमेशा याद रखे ऐसा कुछ। तो उसके आधार पर मैंने झरना झरना सोचते सोचते मुझे ये झरना बनाने का आइडिया आया। तो और उसके बाद मुझे लगा कि कुछ यूनिक होना चाहिए, तो क्यों ना हम फ्रिज मैग्नेट देते हैं। तो फ्रिज मैग्नेट से क्या होगा, छोटा सा क्यूट सा भी लगेगा, और जब जब वो पानी पीने के लिए फ्रिज खोलेगी तब तब वो हमें याद करेगी। ये सोच के मैंने ये आइडिया लिया है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे राउंड शेप का कार्डबोर्ड लिया है। आप चाहे वो साइज़ का या वो स्टाइल का ले सकते हैं कार्डबोर्ड, आप चाहे तो स्क्वायर में ले सकते हैं। और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं वीडियो में, क्ले को मिक्स करके इस तरह से पहाड़ों के जैसा लगा दिया है चारों ओर से, और उंगली से ही इसे दबा दबा के एकदम परफेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए पूरा भर दिया है, जैसे ऐसे लगे जैसे पहाड़ हो। तो अब इसे हम सूखने देंगे, मतलब कि 3-4 घंटे इसे सूखने देना है। उसके बाद हमें इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कलर करना है। तो कलर करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर लिया है, जो स्काई ब्लू होता है वो लिया है। और ये स्काई ब्लू का आइडिया भी मैंने थोड़ा सा कुछ वॉलपेपर मैंने मोबाइल में जाके देखे, गूगल में जाके देखे, मतलब कि कौन सा कलर होगा कैसा होगा, उसी के आधार पर ये कलर भी मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो ब्लू कलर और वाइट कलर को मिक्स करके मैंने यहाँ पे स्काई बनाया है। आप देख सकते हैं वीडियो में, अगर कलर अच्छी तरह से नहीं फैलते तो थोड़ा सा पानी लगाएंगेगा तो ये बहुत ही अच्छी तरह से स्प्रेड होंगे। अब मैंने जो पहाड़ है, पर्वत है, उसके ऊपर ग्रीन कलर को इस तरह से छांट छांट के लगाए हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा ही लगाना है, पूरा कलर नहीं करना है, ऐसे मतलब कि स्पंज से के इससे भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन कलर भी लिया है, जो कभी कभी सूखे हुए पत्ते होते हैं वो सब मैंने इस तरह से ब्राउन कलर से बनाया है। और झरने की जगह पर मैंने यहाँ पे वाइट कलर कर दिया है। ये वाइट कलर करने के बाद मैंने सोचा चलो कुछ और यूनिक करेंगे, तो यहाँ पे मुझे लगा है चलो ग्लू गन ही लगा देते हैं। तो ग्लू गन को गर्म करके मैंने यहाँ पे गरम गरम ग्लू लगा दिया है, जिससे पूरा रियल जैसा पानी का झरना बहता हो बिल्कुल वैसा ही लगेगा। ये देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं, एकदम क्यूट सा गिफ्ट रेडी हो गया है। लेकिन अब ऐसा हम किसी को गिफ्ट देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हमें थोड़ा और डेकोरेशन करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने फिर से थोड़ी सी क्ले ली है और उसे मिक्स करके उसे साइड में बॉर्डर बना ली है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने इसे राउंड राउंड ऐसे मोड़ के बॉर्डर बना दिए। अब ये पीछे का कार्डबोर्ड है वो दिखना नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे इसे वाइट कलर से कवर कर दिया है और उसकी बॉर्डर को भी वाइट कलर कर दिया है, ताकि किसी को पता ना चले हमने ये कैसे बनाया है। वाइट कलर लगा देना है। वाइट कलर सूख जाने के बाद हमें सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, मतलब कि मैग्नेट लगाना है। और मैग्नेट लगाने के लिए मैंने यहाँ पे फेवी बॉन्ड का यूज़ किया है, जो एकदम स्ट्रॉन्ग होती है, जिसे एकदम हार्डली चिपक जाता है। तो इसे भी सूखने देना है, जब ये सूख जाएगा तो एकदम परफेक्टली हमारा छोटा सा क्यूट सा गिफ्ट बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, लाइक और कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।